हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप में से जितने भी लोग आरआरबी, बैंकिंग, एसएससी या बाकी सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट सेक्शन में जाके वो लिंक चेक करें। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आजकल हालात कैसे हैं। कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं, नोबल कोरोना वायरस डिजीज़ जिसको हम लोग कोविड बोलते हैं। अब ये नोबल कोरोना वायरस डिजीज़ से हम लोग जस्ट उभर ही रहे हैं, तो एक नए तरीके का वायरस सुनने में आया है जिसका नाम है नोबल बुनिया वायरस। और ये वायरस भी चाइना से ही इसकी शुरुआत हो रही है और वहाँ पर ये पाया जा रहा है। तो जनरली क्या है, ये वायरस जो है इसको टिक ब्रोन वायरस बोलते हैं। अब टिक्स क्या होते हैं ये जानने के लिए आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए, हम लोग बहुत डिटेल में टिक्स के बारे में बताएंगे। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो लेक्चर्स हैं वो इन्फॉर्मेटिव तो है ही हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस ये है कि आपके पेपर के अंदर क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से करंट से पूछे जाएंगे, उन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो अगर आप टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, इस वायरस के बारे में जानना चाहते हैं, इस डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक देखिए। तो फिलहाल एक छोटा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए, ये जो वायरस है जो सुनने में आ रहा है इसका नाम है नोबल बुनिया वायरस। ये स्फेरिकल वायरस है, एक आरएनए वायरस है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कभी अलग से एक लेक्चर बनाएंगे अगर ये वायरस ज़्यादा सीवियर होता है। हालांकि एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए स्फेरिकल वायरस है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। ज़्यादातर जो वायरसेस होते हैं उनका आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जो डिजीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है, SFTS यानी कि सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये डिजीज़ सुनने में आ रही है। अब देखिए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंपल भाषा में समझें तो जो रक्त के अंदर प्लेटलेट होते हैं उनका डिक्रीज होना ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। यानी कि जब आपके प्लेटलेट काउंट बहुत तेज़ी से गिरते हैं तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। आप देखते हैं डेंगू में भी, जो डेंगी का फीवर होता है, डेंगी भी वायरस की वजह से होता है, ठीक है ना। उसका जो वेक्टर होता है वो मॉस्किटो होता है, क्लियर। और इसी तरह से इसका जो वेक्टर है वो टिक है। अब टिक क्या है मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, वो थोड़ा सा मैं सस्पेंस रख रहा हूँ, आगे जाके हम पढ़ेंगे उसके बारे में। फिलहाल आप इतना देखिए, डिजीज़ का नाम है सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब प्लेटलेट काउंट इसमें कम हो जाएगा, ठीक है। अब जो इस टिक का नाम है उसका नाम है हीमाफाइसेलेसिस लॉन्गिकोरिस। ये टिक का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए एग्जाम के लिए, लेकिन जस्ट मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दे दिया, ठीक है। इस टिक के काटने से ये हो रहा है। और जनरली क्या होता है, अभी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका हो सकता है, यानी कि अगर किसी एक इंसान को टिक ने काट लिया तो उसके थ्रू दूसरे इंसान तक यह फैल सकता है, जैसे कोरोना वायरस आजकल फैल रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है, अभी कन्फर्म नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड रीजन है इसका वो ईस्ट चाइना है, चाइना का पूर्वी भाग जिसको हम लोग जेंगसू और अनहुई प्रोविंस बोलते हैं। तो यहाँ तक आप बात याद रखना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। नोबल बुनिया वायरस डिजीज़ का नाम है सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट का काउंट कम होना। टिक का नाम जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की। और कब कहाँ पर ये बीमारी पाई जा रही है, ईस्ट चाइना के जेंगसू और अनहुई प्रोविंस पे। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड लोग कौन हैं इसमें, फार्मर, हंटर और जिनके पास पेट्स हैं, क्योंकि जनरली जो टिक्स हैं वो जो कैटल्स हैं उनकी बॉडी सरफेस से पाए जाते हैं और वहाँ से इंसान को इन्फेक्ट करते हैं। जो किसान हैं, जो शिकारी हैं और जिनके पास अपना पेट है, उन लोगों में ज़्यादा बीमारी हो रही है। और जनरली जो जानवर हैं जैसे बकरी हो गई और भी कैटल्स हो गए, डियर, हिरन, इनसे ये टिक फैल रहा है, यानी कि ये टिक यहाँ से ह्यूमंस की बॉडी पे काट रहा है, ठीक है। तो इसके जो सिम्टम अभी तक क्या आ रहा है, एक तो मैंने आपको बता दिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बुखार के साथ, और सबसे खतरनाक बात क्या है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। एक बार आपके प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो गए तो उसके बाद बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाता है, यानी कि शरीर के अंग, किडनी, लंग्स, लिवर वगैरह काम करना शुरू कर देते हैं। जो इनिशियल इसका जो सिम्टम्स हैं, जैसे ही वायरस इन्फेक्ट करता है तो वही सिम्टम्स हैं जो हर वायरस के लगभग होते हैं, फीवर, कफ, डायरिया,
ठीक है ना, वॉमिटिंग, ये सब इसके इनिशियल इन्फेक्शंस हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिए। मैं बहुत ही ज़्यादा मैंने आपके लिए शॉर्ट में ये बनाया है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूज़ क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टिक्स के बारे में, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा, तो आप मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग टिक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो टिक को हिंदी में किलनी भी कहते हैं, हालांकि टिक वर्ड ही यूज किया जाता है इसमें। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है, एक तो टिक होता है, एक माइट होता है, और एक बेडबग होता है। बेडबग को हम लोग खटमल बोलते हैं, तो ये खटमल नहीं है। माइट को हम घुन बोलते हैं, तो ये घुन भी नहीं है, यानी कि ये किलनी है, टिक है, क्लियर। अब देखिए टिक दिखने में कैसा होता है, माफ कीजिए मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन मैं आपको उसका स्ट्रक्चर यानी कि उसका एक रफ डायग्राम बना देता हूं, क्लियर। ऐसे होगा, यहां पर इसकी आईज होती हैं, क्लियर। अब देखिए सबसे खास बात क्या है, इसके लेग्स, ये एक पेयर लेग, क्लियर। उसके बाद ये दूसरे पेयर ऑफ लेग्स, और उसके बाद ये तीसरे, ये देखिए, यानी कि टोटल मिला के 8 लेग्स होंगे इसके अंदर। क्या होंगे? 8 लेग्स, टिक। आप नेट से डायग्राम को सर्च कर सकते हैं। तो अगर टिक को हम लोग थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, तो टिक्स की जो फाइलम है, ठीक है, इसके फाइलम को हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। सिंपल भाषा में आर्थ्रोपोडा वो होता है जिनका एक्सो स्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब इनकी बॉडी के अंदर हार्ड सरफेस होगा, कवरिंग होगी, यानी कि इसको एक तरह का खोल हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका जो फाइलम है ये आर्थ्रोपोडा में आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी क्लास, याद रखना, एग्जाम में ये पूछ सकता है। इसकी जो क्लास होती है इसको हम लोग एरेक्निडा क्लास बोलते हैं, ठीक है ना। तो एरेक्निडा क्लास की खास बात क्या होती है, इनके जो लेग्स हैं ये सब जॉइंट लेग्स हैं, देखिए जुड़े हुए पैर होते हैं, जनरली 8 लेग्स होते हैं। तो एरेक्निडा क्लास के बाकी कौन कौन से हैं, जैसे इसमें सबसे बड़ा जो इसका जंतु होता है वो होता है स्पाइडर, मकड़ी, मकड़ी भी इसी में आती है। उसके बाद स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू भी इसी क्लास में आता है, इसको एरेक्निडा क्लास बोलते हैं। अब देखिए जो टिक्स का जो साइज होता है वो 3 से लेकर 5 मिलीमीटर तक इनका साइज होता है, और ये जो पाए जाते हैं ये वार्म, गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि गर्म और आर्द्र जलवायु, ह्यूमिड को मेरे ख्याल से यस, ह्यूमिड, आप जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप देखना, ह्यूमिडिटी आप समझते होंगे, उष्ण या आई डोंट नो, पर हाँ वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में टिक्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक इनकी 900 स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, क्लियर। टिक्स की जो स्पीशीज हैं वो अभी तक 900 स्पीशीज टिक्स की डिस्कवर हुई हैं आज तक, जिसमें से कि लगभग 16 तरह की डिजीजेस इनसे होती हैं, यानी कि इनके काटने से बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इस तरह की अलग अलग जो पैथोजेंस हैं वो इनके काटने से फैलते हैं, क्लियर। तो इनके कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड यूज होते हैं अलग अलग, पहले डीडीटी से इनको कंट्रोल किया जाता था। अब ये टिक्स जनरली कहाँ पाए जाएंगे, ये वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग प्लांट सरफेस पे, और बेसिकली जो मेनली जो पाए जाते हैं वो एनिमल सरफेस, मैंने जैसे आपको बताया चाइना के अंदर। तो ये
टिक्स के बारे में। तो टिक को याद रखना, किल नहीं बोलते हैं, टिक खटमल नहीं है, बहुत सारे लोग खटमल से इसको कंफ्यूज करते हैं। खटमल इंसेक्टा क्लास में आता है, ये इंसेक्टा क्लास में नहीं आएगा। इसकी क्लास जो होगी वो एरेक्निडा होगी, याद रखना। इनके जो लेग्स होते हैं वो बिल्कुल जॉइंट होते हैं, जैसे मकड़ी के होते हैं या फिर बिच्छू के होते हैं। फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा फाइलम मतलब एक्सोस्केलेटन, यानी कि बाहर एक, जैसे हमारा स्केलेटन एंडोस्केलेटन है, हमारा स्केलेटन हमारी बॉडी में फ्लैश और स्किन के अंदर है, ठीक है ना, अंदर से हमको सपोर्ट करता है। इनका जो स्केलेटन होता है वो स्केलेटन ना होके कवरिंग होती है जो बॉडी के बाहर होती है, जैसे एक तरह का कवच हो गया, जैसे कछुआ होता है ना। हालांकि कछुआ की क्लास अलग हो गई, ठीक है, उसका फाइलम अलग हो गया, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से इनके बाहर एक कवरिंग होती है जो कि सारे आर्थ्रोपोडाज में होती है। हालांकि आर्थ्रोपोडा के और भी फीचर्स होते हैं, लेकिन अभी मैंने शॉर्ट में एक जिसको बोलते हैं ना कि जो सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन है इसका वो आपको समझाया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को याद रखना है, जो कीवर्ड्स हैं आर्थ्रोपोडा, एरेक्निडा और टिक्स के बारे में, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, माइट, घुन। अब आपको ये सर्च करना है कि कौन से ऐसे पक्षी होते हैं जो टिक्स को खाते हैं, मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो आपको सर्च करना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।